आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। आज हमारे साथ झाझा विधानसभा के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी विनोद यादव जी हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर जनता इस बिहार विधानसभा चुनाव में झाझा विधानसभा से क्यों उनको मत दे और क्यों इनको जिता के यहाँ से विधानसभा भेजे। आइए कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, आइए उनसे बात करें। और बस चूँकि आप पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम मतों के अंतर से हारे थे, तो इस बार क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आपका जो है इस क्षेत्र के लिए आपने सोच रखा है जिसके ऊपर आप जाके जनता के बीच में वोट मांगेंगे? सबसे पहले मैं आपको जुनून टूडे का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे पास आप लोग आए हैं मेरे क्षेत्र के बारे में जानकारी देने के लिए। सबसे पहले मेरा उद्देश्य है झाझा विधानसभा में आज तक जितना भी नेता जीता है, चाहे वो दामोदर जी हो चाहे डॉक्टर रविंदर यादव जी हो, ये दोनों क्षेत्र में आज तक कोई विकास नहीं किया। मेरे विधानसभा में 3 प्रखंड हैं और 1 नगर पंचायत है। 3 प्रखंड में एक भी बढ़िया कोई महाविद्यालय नहीं है, कोई भी बढ़िया कॉलेज नहीं है और सिमरतल्ला ऐसा सुदूर इलाका है जहाँ प्रखंड आज तक नहीं कोई बना पाया, जबकि सत्ता में रहे, मंत्री रहे, सब कुछ रहे। लक्ष्मीपुर में एक भी कोई महाविद्यालय नहीं है, एक सर्किल में भी कोई महाविद्यालय नहीं है और न स्वास्थ्य साधन है, न किसानों को बढ़िया सिंचाई का साधन है। बहुत सा ऐसा नहर है जो कि थोड़ा सा मैंने नेता के हेल्प से बहुत गरीबों का किसानों का पेट भर सकता है। मैं उस मुद्दों पर काम करूँगा, लोगों को सिंचाई साधन देने के लिए हर संभव सरकार से जितना ताकत होगा हम उसे लड़ के हम अपने क्षेत्र में काम करेंगे और युवाओं को रोजगार के लिए हमने जितना प्रयास होगा सरकार से लड़के कि युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करेंगे। हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बहुत गरीबी इलाका है, तो मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत लचर पचर है। एक कोई भी एक साधारण चीज होता है तो सीधे भेज देता है रेफर पटना, ऐसा कोई साधन नहीं। उसके साधन के लिए हम लोग सरकार से लड़के झाझा विधानसभा में हर अपने जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र के लिए व्यवस्था करूँगा और गरीब कोई भी दवा के बिना नहीं मरेगा। विनोद यादव एक ऐसा जमीनी वर्कर है जो कि आज के डेट में इंडिपेंडेंट भी लड़े, तो जनता हमें कम से कम 81 मत निर्दलीय में भी दिया था। ये जनता का हम अपने बहुत स्नेह प्यार मेरे लोगों को दिए हुए रहते हैं, जिसका हमको आशीर्वाद मिला था। इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी से हम टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लगभग वो दो मेरे साथ आज के डेट में मेरे साथ है और इधर जो एम भाई के समीकरण में जो वोट है वो मेरा हर बूथ पर जाधव का ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमको मिलने जा रहा है, प्लस अति पिछड़ा का वोट, सभी जाति के वोट, सवर्णों का वोट मेरे साथ आज के डेट में जुड़ा हुआ है। तो प्रमुख आपका मुद्दा क्या रहेगा जिस मुद्दे को लेके आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वोट मांगेंगे? ये मुद्दा है हम ये काम करवा के देंगे तो प्रमुख समस्या का मुद्दा बहुत हम तो बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा समस्या है इस क्षेत्र में सिंचाई का, तो उसके लिए क्या योजना आपका, क्या आप जीतेंगे तो क्या प्लानिंग करेंगे सिंचाई के लिए? सिंचाई के लिए बहुत सा नहर पाने की जरूरत है। अब जैसे मंगलवार में देखिए लक्ष्मीपुर में बहुत सारे गाँव है जहाँ की पति है, बगल में डीवा देख लीजिए जहाँ एक बांध बांधने से पूरे मैंने पटवन हो जाएगा पूरे 2-3 पंचायत का। आप देख लीजिए केशवपुर में शिवराज जोर है उसको पटवन के लिए करने देखिए पूरा अति हो जाएगा। जहाँ सिमरतल्ला जो है एक प्रखंड लायक है जो सुदूर इलाका है, कम से कम प्रखंड बनने से लोगों का विकसित होगा। झाझा को सब डिवीजन बनवाएंगे हम लोग ताकि जब सब डिवीजन बनने से झाझा जो है विकसित होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा वहाँ पर और शिक्षा के साथ मामले में एक भी कोई बढ़िया कॉलेज नहीं है। हम कॉलेज बहुत बढ़िया से हम लोग एक सर्किल में कॉलेज दबाएंगे, एक लक्ष्मीपुर में दबाएंगे कॉलेज, सिमर और बड़वा में एक थाना बनवाएंगे जो कि बहुत लोगों को परेशानी होता है, कम से कम वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो अच्छा रहे। क्योंकि झाझा में सब डिवीजन की मांग हमेशा से होती रही है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं कि अभी तक नहीं बन पाया सब डिवीजन? जो प्रेजेंट विधायक थे, मंत्री थे, दामोदर जी मंत्री भी रहे, सरकार रहे, उनको वो नहीं बना पाए, जब वो चाहते बना सकते थे लेकिन जनता को हिला कर अपने काम करते हैं, उनकी कमी आप मानते हैं? बस उन्हीं कमी का जो भी यहाँ से प्रतिनिधित्व आज तक किया है उनकी गलती, बस पूरी गलती है। अगर आप आएंगे तो इसको क्या किस हिसाब से लेंगे, कैसे
हम इसको चुनौती समझ कर रिजन सरकार से लड़के इसको बनवाएंगे, उसके लिए हमको धरना प्रदर्शन अगर विधानसभा में करना पड़ेगा उसके लिए हम करेंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे अपनी पार्टी की। और एक तो झाझा में सबसे प्रमुख समस्या है बीड़ी, बीड़ी का कारोबार भी काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा है और बीड़ी मजदूरों के साथ काफ़ी परेशानियाँ भी हैं, उनके लिए आपके पास क्या योजना है? बीड़ी मजदूरों के लिए देखिए, बीड़ी मजदूर वास्तविक मेरा मुख्य मेरे रोजगार लोगों का यहाँ पर है कि उनका मजदूरी न्यूनतम बहुत कम है, उसके मजदूरी के लिए हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। उसके स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको ज़्यादा करके बीड़ी मजदूर लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य अव्यवस्थित हो जाता है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए पूरा व्यवस्था करें उनको और उनके सारे साधन सुविधा हम अपने तरफ से भी देंगे उनको। और एक और समस्या है झाझा में देखा जाए तो, जहाँ हालांकि आदिवासी भी काफ़ी संख्या में आपके विधानसभा क्षेत्र में है, जिनके पास कोई ध्यान नहीं देता, जितने भी नेता को ध्यान नहीं देता, उनकी स्थिति आज भी देनी है, उनके साथ काफ़ी समस्या है, खाने पीने से लेकर आदि समस्या है, उनके लिए आप क्या योजना रखते हैं या क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं? आदिवासी इलाके में जितने भी गरीब आदिवासी इलाका है, हम अपने जाके सर्वे करके क्षेत्र में करके लोगों को सरकार के द्वारा उनको राशन दिलाएंगे और जो बन सकेगा हम भी अपने संभव अपने अति से उन लोगों को मदद देंगे, चाहे हम कपड़ा हो, राशन हो, दवा हो, उसके लिए हम या बच्चा को पढ़ने में तेज हो, शिक्षा अति व्यवस्था हो, उसके लिए हम मदद करेंगे उन लोगों को। और आप देख रहे हैं चूँकि आपके विधानसभा में काफ़ी कद्दावर नेताओं ने भी इस बार नाम राजेंद्र यादव जी आरजेडी से हैं, डॉक्टर साहब भी एजेपी से आ चुके हैं, तो आप क्या है, कोई ऐसा कोई चुनौती मानते हैं या आपकी जनता में कुछ दिक्कत है? नहीं, मेरे सामने से कोई चुनौती नहीं है, जनता मालिक है, जनता न्याय करेगा, आक्रोश का एक वोट है, विनोद यादव एक जमीनी नेता है, 20 साल से क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोगों को हर सुख दुख में हम साथ रहते हैं, सुख के भी घड़ी साथ रहते हैं, दुख के भी घड़ी साथ रहते हैं, किसी को दवा के भी नाम नहीं बढ़ने देते हैं, मेरा एक उद्देश्य मेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल में आपकी समझ चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।